वेलकम टू माय चैनल यूरेनियम गुरुजी। हाल ही में जारी हुए अंतर्राष्ट्रीय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो इसमें टोटल 55 देशें थीं जिसमें भारत रहा है 42वें नंबर पे। और 2023 में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जारी हुआ था जिसमें भारत रहा है 4th प्लेस पे। तो टॉप पे कौन रहा, तो टॉप पे इसमें रहा है US। मिल्क प्रोडक्शन की रैंकिंग आई थी, इसमें भारत कहाँ पर था, तो भारत नंबर 1 प्लेस पे था। इसमें सेकंड नंबर पे कौन था, तो ये USA सेकंड नंबर पे था। और अभी 2023 में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स भी जारी हो चुका है, तो इसमें भारत रहा है 136 प्लेस पे। 2022 में भी भारत कौन से प्लेस पे था, 136 पर ही था। और इसमें टॉप पे कौन है, तो टॉप पे है फिनलैंड। हाल ही में लक्की मेला 2023 का आयोजन कहाँ पर शुरू हुआ है, तो ये शुरू हुआ है राजस्थान में। अगर राजस्थान में पूछे तो कहाँ पे, कौन से ज़िले में, तो राजस्थान में एक ज़िला है सीकर ज़िला, तो यहीं पे स्टार्ट हुआ है। ये खाटू श्याम की पूजा इसमें होती है। खाटू श्याम कौन थे, तो महाभारत में आप सब लोग को भीम के बारे में पता होगा। भीम की शादी हुई थी राक्षसी से जिनका नाम था हिडिम्बा। क्या नाम था, हिडिम्बा। उनके पुत्र थे घटोत्कच, और घटोत्कच के जो पुत्र थे वो थे बारबरीक, और इन्हीं बारबरीक का श्री कृष्ण ने गला दान में मांग लिया था, गला ही इनका दान में मांग लिया था, और बोला था भविष्य में आपकी पूजा होगी, तो अभी इन्हीं की पूजा होती है। क्या नाम हो जाता है इनका, खाटू श्याम करके इनका नाम हो जाता है और पूजा होती है। और भी कुछ मेले की बात कर लेते हैं हम लोग, जैसे कि अंबुबाची मेला है, तो अंबुबाची मेला जो है ये असम में सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पे, तो असम में मंदिर है एक कामाख्या मंदिर, वहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और अभी हाल ही में माघी मेला और झींगा मेला, ये दोनों कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, तो पंजाब में, ये पंजाब के हैं। सरस मेला अभी कुछ दिन पहले ही सेलिब्रेट हुआ, कहाँ पे, तो जम्मू एंड कश्मीर में। और सूरजकुंड मेला, बात करेंगे सूरजकुंड मेले की, तो ये कहाँ पे सेलिब्रेट हुआ, तो ये हुआ हरियाणा में। यह अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला होता है, इस बार इसका ये 36 एडिशन था। और कहाँ पे हुआ हरियाणा में, तो हरियाणा के फरीदाबाद में इसका आयोजन हुआ। तो इतनी बातें भी ध्यान रखें, बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस देश में आयोजित डेजर्ट फ्लैग 8 एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना भाग लेगी, तो ये UAE में हो रहा है, इसमें भारतीय सेना भाग लेगी। UAE की बात करेंगे तो कैपिटल इसका हो जाएगा आबू धाबी। क्या हो जाएगा, आबू धाबी। और UAE ने हाल ही में अपना चांद पर, कहाँ पर, तो चांद पर पहला मिशन भेजा था। क्या नाम था उसका, रोवर मिशन। किसका हो जाएगा, ये भी UAE का हो जाएगा। बात एक्सरसाइज की आई है, तो US के साथ हम लोग वज्र प्रहार नाम का एक्सरसाइज करते हैं, और युद्धाभ्यास, ये दो एक्सरसाइज हम करते हैं अमेरिका के साथ। और जापान की बात करेंगे तो बीर गार्जियन, धर्मा गार्जियन, JMAX, सैनु मैत्री, सहयोग काजिंद और मालाबार, ये सब हम जापान के साथ करते हैं। मालाबार की बात करेंगे तो ये क्वाड कंट्रियों के बीच में होता है। क्वाड कंट्रियाँ कौन कौन होती हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, तो मालाबार क्वाड कंट्रियों के बीच में होता है। तो इतनी बातें ध्यान रखें एक्सरसाइज से रिलेटेड। हाल ही में विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन कहां पर शुरू हुआ है, तो इसका आयोजन शुरू हुआ दिल्ली में। दिल्ली में पूछे कहां पे, तो दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका आयोजन शुरू हुआ है। और इसको उद्घाटन किसने किया है, तो शिक्षा राज्य मंत्री हैं राजकुमार रंजन सिंह, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। दिल्ली की बात आई है तो यहाँ के CM कौन है, तो वह अरविंद केजरीवाल। और अभी हाल ही में राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन जो था, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो इसका नाम हो गया है अमृत उद्यान। क्या हो गया है, अमृत उद्यान। और जो राजपथ है, राजपथ, इसका नाम बदल कर क्या हो गया है, तो इसका नाम बदल के हो गया कर्तव्य पथ। तो इतनी बातें भी ध्यान रखें दिल्ली के बारे में, बढ़ते हैं आगे। हाल ही में ICC महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीत लिया है, तो फाइनल मैच किसके बीच में खेला गया, तो खेला गया साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। जीता किसने, इसको जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ये कहाँ पे खेला गया, तो ये साउथ अफ्रीका में ये मैच हो रहा था। और ऑस्ट्रेलिया ने कितनी बार जीत लिया अभी तक ये वर्ल्ड कप, तो 6वीं बार ये T20 वर्ल्ड कप जीता है महिलाओं का ऑस्ट्रेलिया ने। और अगर ये पूछा जाए कि T20 विश्व कप 2024 में जो होंगे महिलाओं वाले, उसका आयोजन कहाँ पे होगा,
तो उसका आयोजन होगा बांग्लादेश में। कहाँ पे? बांग्लादेश में होंगे। और अभी हाल ही में अंडर 19 की जो महिला टीम है उसने T20 वर्ल्ड कप अंडर 19 का भी भारत ने जीत लिया था। किसको हरा के? तो इंग्लैंड को हरा के भारत ने इसको जीता था। इसका आयोजन भी कहाँ हुआ था? तो साउथ अफ्रीका में ही हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में मैन होल की सफाई के लिए बैंडीकूट रोबोट किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है केरला की सरकार ने। और इस बैंडीकूट रोबोट जो है इसकी मदद से क्या हो पाएगा? इसकी मदद से ये हो पाएगा कि जो सीवेज होता है, सीवेज इसमें अंदर घुस के आदमी लोग इसको साफ़ करते हैं, तो इससे क्या हो पाएगा 100% ये पूरी तरीके से मशीन से होगा, मशीन यानी रोबोट से होगा। इस रोबोट जो बैंडीकूट रोबोट है इसको बनाया किसने है? तो जेने रोबोट रोबोटिक्स कंपनी ने इसको बनाया है। बात केरला की आई है तो अभी केरला ने खुद का क्या लॉन्च किया था? खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा था? केरला। और पेपरलेस हाईकोर्ट पहला कौन सा बना था? तो केरला हाईकोर्ट। और गवर्नमेंट कैब चलाने वाला पहला राज्य कौन बना था? तो ये भी बना था केरला। केरला को हम लोग मसालों का शहर भी कहते हैं, मसालों का शहर भी कहते हैं। और केरला के तट को हम लोग किस तट के नाम से जानते हैं? तो मालाबार तट के नाम से जानते हैं। केरला की बात आई है तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, और यहाँ पे गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, और कैपिटल यहाँ की है तिरुअनंतपुरम। तो इतनी बातें याद रखें, केरला से बढ़ते हैं आगे। हाल ही में FATF ने किस देश की सदस्यता को रद्द करने की घोषणा की है? सबसे पहले जानते हैं कि FATF होता क्या है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका हो जाएगा फुल फॉर्म। फॉर्मेशन इसका होता है 1989 में। हेडक्वार्टर्स इसका मिलेगा आपको पेरिस फ्रांस में। और प्रेजेंट टाइम में इसके हेड कौन है? तो ये हैं T. Rajakumar इसके हेड हैं। बात करेंगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, इसका काम क्या होता है। तो जो आतंकवाद होते हैं उसको फंडिंग को रोकने के लिए इसको बनाया गया है। ये दो लिस्ट जारी करता है। कितने लिस्ट जारी करता है? दो। एक होता है ग्रे लिस्ट और एक होता है ब्लैक लिस्ट। अगर कोई कंट्री ग्रे लिस्ट में आ रहा है इसका मतलब उस कंट्री पे शक है कि वो आतंकवाद को फंडिंग कर रहा है, और अगर ब्लैक लिस्ट में आ रहा है इसका मतलब वो पक्के से आतंकवाद को फंडिंग कर रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रसिया को इसने बाहर कर दिया है। पहले इसमें तो टोटल 39 कंट्रियाँ शामिल थी, और अब रसिया को बाहर होने के बाद टोटल बची हैं 38। तो इतनी बातें ध्यान रख के बढ़ते हैं आगे। हाल ही में 2023 मार्कोनी पुरस्कार किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है होरी बालाकृष्णन ने। ये कौन है? तो ये एक प्रोफेसर हैं। कहाँ पे? तो US की यूनिवर्सिटी MIT उसमें ये प्रोफेसर हैं। HCA में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो इसको जीता है RRR मूवी ने। RRR मूवी, इसके डायरेक्टर कौन है? SS राजामौली। ये बाहुबली के भी डायरेक्टर थे। बात करेंगे RRR मूवी की, इसमें एक गाना है नाटू नाटू करके। कौन सा है? नाटू नाटू। इसको 2023 का गोल्डन ग्लोब अवार्ड, कौन सा? तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला है। किसके लिए? बेस्ट सॉन्ग के लिए। और ये जो नाटू नाटू सॉन्ग है ये ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुआ है। देखते हैं मिलता है या नहीं, पर नॉमिनेट हुआ है। और हाल ही में किसे भारत का नया ड्रग कंट्रोलर जनरल नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं राजीव रघुवंशी। और हाल ही में हुए एशियाई लॉन बॉल चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? कमेंट बॉक्स में आंसर छाप दीजिए। हम करेंगे अब कल के क्वेश्चंस का रिव्यू। 2023 में मालाबार नौसेना अभ्यास का आयोजन कहां पर होगा? तो ऑस्ट्रेलिया में होगा, और ऑस्ट्रेलिया ये पहली बार करेगा। हाल ही में गिरीश चंद्र मुर्मू को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक बनाया गया है? ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीत लिया है? साजन जिंदल ने। और हाल ही में रक्षा सचिव अरमानी गिरधर का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया है? तो 24 तक। और हाल ही में नृत्यांगना कनक रेले होगा का निधन हो गया है, उनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? मोहिनीअट्टम, ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और हाल ही में भारत और किस देश के बीच 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजित की गई है? आंसर इसका हो जाएगा श्रीलंका। संगम युगीन किलादी साइट संग्रहालय यानी म्यूजियम
की स्थापना कहाँ की जा रही है? आंसर तमिलनाडु हो जाएगा इसका। और हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया? तो 24 फरवरी को। और सीआरपीएफ द्वारा वर्ष 2023 में स्थापना दिवस कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। और किस राज्य सरकार ने अमृत नगरोत्थान योजना की घोषणा की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटका। फालतू हो गया ये। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया आज के करंट अफेयर का सेशन। वीडियो अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सपोर्ट करें, लाइक वाइक करें, शेयर भी करें, फॉलो तो ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।